सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत जारी है। विजय सिन्हा सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने इफ्तार पार्टी को लेकर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसे आयोजन वोट बैंक के लिए किए जाते हैं। हिंदू धर्म का जो नवरात्रा होता है, पर्व त्योहार होता है, उस पर क्यों नहीं इफ्तार होता है, उस पर क्यों नहीं भोज और पूजा और प्रसाद का वितरण होता है। आप इफ्तार करते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन समान भाव क्यों नहीं है? बहुसंख्यकों को अपमान करके आप अपने राजनीति और सत्ता के लिए समाज के अंदर नफरत घृणा पैदा करेंगे, जिसकी परिणति बिहार शरीफ और सासाराम है, और झूठे मुकदमों में आप फंसा रहे हैं। किसी के घर में कोई गोली रख दे रहे हैं, किसी के घर में कोई सामान रख दे रहे हैं ताकि उसको जेल हम भेज सकें। नहीं, देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जिस समय में माननीय मुख्यमंत्री जी इस इफ्तार पार्टी को कर रहे हैं, उस समय में बिहार जल रहा है, और अभी जो मुख्यमंत्री जी को जिस बिहार को अमन चैन शांति के लिए काम करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी अभी इफ्तार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री का सपना देखने में लगे हुए हैं, तो हम लोग इस जलते हुए बिहार को देखते हुए इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किए हैं। अब तो वो अगर रमजान के महीने में रोजा रखते नीतीश कुमार जी तो समझ में आता कि जश्न इफ्तार मना रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक इफ्तार निश्चित तौर पर ऐसे वक्त में बिहार जब दंगों की आग में झुलस रहा है सवाल खड़े करता है। अब तो महागठबंधन के लोग ही और कांग्रेस के नेता आजमी बारी ने उनके आमंत्रण पत्र पर बायकॉट लिखकर उनको वापस भिजवा दिया। महागठबंधन के लोग ही सवाल उठा रहे हैं।